सो हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube एंड स्क्रीन क्या होता है और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपनी YouTube वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ YouTube एंड स्क्रीन का, क्या होता है, कैसे काम करती है और कैसे इसको लगाना है आपकी YouTube वीडियोस में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंड स्क्रीन होता क्या है। तो आपकी वीडियो के एंडिंग में जो पार्ट लगता है और उसका टाइम 5 टू 20 सेकंड रहता है, वो आपकी एंड स्क्रीन होती है। और उसमें आप जो वीडियो आपकी देख रहा है उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी दूसरी वीडियो उसको देखनी है या फिर आपको सब्सक्राइब करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आप उसमें सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हैं, जिससे जो वीडियो आपकी देख रहा है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उस पर क्लिक करके। सेकंड चीज, आप उसमें कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी दूसरी कोई भी चैनल की वीडियो या फिर किसी और की वीडियो भी आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज, आप उसमें प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, आपके चैनल की कोई भी प्लेलिस्ट हुई या फिर दूसरे की कोई भी चैनल की प्लेलिस्ट हुई वो आप लगा सकते हैं। फोर्थ चीज, आप उसमें दूसरे का चैनल लगा सकते हैं या फिर आपका खुद का दूसरा चैनल उसमें आप लगा सकते हैं, ताकि उसको भी वो विजिट कर ले या फिर सब्सक्राइब कर ले। तो इससे आपकी दूसरी वीडियोस पर भी व्यूज आएंगे और आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, इसको कैसे एडिटिंग के टाइम लगाते हैं और कैसे अपलोडिंग के टाइम लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं इस सॉफ्टवेयर में एडिट करता हूं। आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं, जैसे Adobe Premiere Pro हो गया, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट करते हैं या फिर आप फोन में एडिटिंग करते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, लास्ट के जो आपकी वीडियो एडिटिंग जब हो जाती है तो उसमें 5 टू 20 सेकंड आपको एक टेम्पलेट ऐड करना होगा, कुछ इस तरीके के। आप और भी काफी सारे टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको काफी सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वीडियोस में लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको वहां से डाउनलोड करना है और आप अपनी वीडियोस के एंडिंग में उसको लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए, मेरी वीडियो यहां पर एंड हो चुका है इसका, एंड ये एंड स्क्रीन यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आपको इसको लगा देना है। तो इस टेम्पलेट को लगाने के बाद आपको कैसे अपलोडिंग के टाइम एंड स्क्रीन लगाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में अपन चलेंगे। तो आपको क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। सिंपली studio.youtube.com आपको सर्च करना है, आपका स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी वीडियोस दिख जाएगी, तो सिंपली आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंड स्क्रीन, इस पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर मेरी ऑलरेडी एंड स्क्रीन डली हुई है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। देन मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाना है। और इसको डिलीट कर देते हैं अपन। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इंपोर्ट फ्रॉम लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो में जैसे आपने लगाया था वैसे की वैसे लगाना है। फिर आपको मिल जाएगा वन वीडियो वन सब्सक्राइब, मतलब एक वीडियो और एक सब्सक्राइब बटन लगाना है। और भी काफी सारे ऑप्शन है, एक प्लेलिस्ट एक सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं, टू वीडियोस लगा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पर एलिमेंट वाले ऑप्शन पे जाएं। देन आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं और चैनल लगा सकते हैं। तो जस्ट वीडियो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वीडियो एलिमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर लग जाएगी। तो इसको यहाँ से एडिटिंग आप कर सकते हैं, इसके बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। ये लास्ट 20 सेकंड तक लग सकती है, 5 टू 20 सेकंड ही आप इसको लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको लगा देना है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आप वीडियो यहां से प्ले भी करके देख लेना। तो जैसे ही ये वीडियो प्ले होगी तो ये आपकी लग जाएगी। अब जैसे ही अपना यहां पर एंड स्क्रीन आ रही है, तो सिंपली आप इसको यहाँ से उठा के इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मोस्ट रिसेंट अपलोड, तो इस वीडियो से पहले ही जो वीडियो आपकी अपलोड हुई है उसको लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर बेस्ट फॉर व्यूअर, मतलब यूट्यूब खुद रेकमेंड कर देगा उसको कि उसको ये वीडियो देखनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन आता है चूज स्पेसिफिक वीडियो, मतलब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने चैनल की कोई सी भी वीडियो लगा सकते हैं या फिर दूसरे किसी चैनल की वीडियो लगानी है तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है और कोई सी भी आप वीडियो लगा सकते हैं। तो जैसे इस वीडियो से रिलेटेड मेरे को कोई भी वीडियो लगानी हो तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे मेरे को अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, हाउ टू प्रमोट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो ये वाली वीडियो मेरे को लगानी है, तो इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये लग जाने के बाद आप इसमें और भी वीडियो ऐड कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट ऐड करनी है, तो आपको सिंपली एलिमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, तो सिंपली सब्सक्राइब वाले पे क्लिक कर देंगे, देन आपका यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को आप इस तरीके से सेट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ से इसको कम करना है, तो इसको ऐसे कम कर लीजिए, जहाँ से आपकी एंड स्क्रीन स्टार्ट हो रही है वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। और यहाँ से आप इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, जहाँ से आप, अगर यहाँ से आपका नहीं हो रहा तो आप इसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट ऐड करनी है, तो प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, सिंपली प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपकी यहाँ पर प्लेलिस्ट कोई सी भी ऐड हो जाएगी। जैसे मेरे को व्लॉग्स ऐड करने हैं तो व्लॉग्स आप एडिट कर सकते हैं, तो जस्ट आपको व्लॉग्स पे क्लिक करना है, देन आपकी प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी। फिर आपको इसको कम कर देना है, इस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट हुई, थोड़ा प्ले बाद में अपना हो रहा है, तो अपन इसको ऐसे कम कर लेंगे और इसको ज़्यादा कर लेंगे। और ध्यान रहे, जब आपकी वीडियो अगर प्राइवेट पे हैं तो एंड स्क्रीन आपको शो नहीं होगी, बट अगर आप जस्ट उसको पब्लिक कर देंगे तो एंड स्क्रीन आपकी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। और इसको आपको सिंपली सेव कर देना है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। उसी के साथ अपने 500 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और मजे करिए। तब तक के लिए बाय बाय।